नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन पिछले 32 सालों से लिख रहे हैं भगवान राम का नाम। जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भाग रहे हैं, वहीं रायसेन में एक डॉक्टर ऐसा भी है जो पिछले 32 सालों से भगवान राम का नाम कागज पर लिखते हैं। वह करीबन दिन में वह 2500 से 3000 बार राम का नाम लिखते हैं। वही साल में 4 बार रामायण का पाठ भी करते हैं। इसके अलावा नर्मदा जाना, स्नान, ध्यान करना सभी कुछ शामिल है उनके जीवन में, इसमें सहयोग देता है उनका परिवार। देखिए एक खास खबर रायसेन से। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। राम से बड़ा राम का नाम आप सभी को मालूम होगा कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजेंगे, लेकिन कुछ भक्त उनके ऐसे हैं जो बरसों से उनका नाम लिख रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं गणेश पटेल जी, जो पिछले 33 साल से भगवान राम का नाम एक कागज पे लिखते हैं, और उनका कहना यह है कि 2 से 2500 बार रोजाना वह राम का नाम लिखते हैं। इसके अलावा वह कराते हैं रामायण, जो पिछले 33 साल से करा रहे हैं उतने ही साल से वह भगवान का नाम भी लिख रहे हैं। इसके अलावा वह नर्मदा जी भी जाते हैं, और काफी धार्मिक व्यक्ति हैं। हालांकि वह हैं डॉक्टर, लेकिन वह अपना काम छोड़ के भी वह सारे धर्म कार्यों को निभाते हैं। हम गणेश जी से बात करेंगे कि वह ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें कितना आराम मिलता है और उन्हें क्या क्या फायदा हुआ है, और वह क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को। गणेश जी जी, ये बताइए आप, आपका पैसा क्या है? मेरा पैसा मेडिकल स्टोर है, फिलहाल तो मैं मेडिकल स्टोर है, डॉक्टरी का पैसा है मेरा जी। अच्छा, ये कितने साल से आप लिख रहे हैं जी? ये 91 से करीब 33 साल हो गई है। अच्छा, तो इससे आपको क्या लगता है कि क्यों लिखते हैं आप ये राम का नाम? इस वजह लिखते हैं कि राम नाम ही जो अपन जो बोलते हैं, राम नाम सत्य है, यथार्थ में सत्य है, तो ये जरूरी है अपना यहाँ इस लोक के लिए, परलोक के लिए राम नाम सत्य है, यहाँ के लिए जीवन चलेगी अपने जो व्यवस्था है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप राम का नाम दिन भर में कितनी बार लिखते हैं? दिन भर में 5 से 10 पेज लिख लेता हूँ। 5 से 10 पेज लिख लेते हैं, मतलब 2-2.5 बार लिखते हैं? हाँ, एक पेज में 5 से 21 आता है एक साइड में। तो आपको इससे कुछ सुकून मिलता है, कुछ फायदा मिलता है आपको? सुकून मिलता है, बहुत आत्म शांति मिलती है जी, संतुष्टि मिलती है, सारे रोग शोक दूर रहते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? इसके अलावा प्रभु राम जी कृपा से अखंड रामायण का कार्यक्रम प्रभु कराते हैं, वो उसी समय से नहीं 91 से साल में 4 करवा देते हो, मेरी औकात एक ही नहीं है, मतलब इसके आधार में सब श्री प्रभु राम जी को है। और उसी समय से नर्मदा जी हर महीने मैया बुला लेती, कभी एक बार, कभी दो बार, कभी महीने में 4-4 बार। जब परिवार का सहयोग मिलता है क्या? हाँ, परिवार का सहयोग मिलता है। 93 में मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी भी उसमें मेरा सहयोग करती हैं, बच्चे भी सहयोग करते हैं, और बीच बीच में मेरी बच्ची बच्चा हम जो है शनिवार को सभी लोग भजन का एक हमने वो रखा है, हर शनिवार को 1 घंटे कम से कम, ज़्यादा नहीं, और लोग आ जाते नहीं आते, हम चारों कार्यक्रम चलता है, हम लोग टूटी फूटी, मतलब हमारी मिसेज झूले बजा लेती है, हमारी मजा आते, बच्चा गाते हैं, चलता है। जब आप कभी नर्मदा जी जाते हो तो दुकान बंद रहती होगी आपकी? हाँ, बंद रहती है। अच्छा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है? जी हाँ, अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब का पैसा है, डॉक्टरी काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं, इसके बाद भी आप रामायण भी बिठाते हैं, नर्मदा जी भी चाहते हैं, जहां लोग आज भौतिक बात की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 33 सालों से भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। मैं राकेश जैन रायसेन।